इस समय चौधरी लाल सिंह जी के जो समर्थक है हमारे पीछे आप देख रहे हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन से ये सारा प्रक्रिया शुरू हुई है, चौधरी लाल सिंह जी के साथ साई की तरह हैं। और आज जो इस समय हम पेट्रोल पंप में खड़े हैं क्योंकि मजबूरी है यहाँ खड़ा होना, वहाँ पर तो इन्होंने तारबंदी कर दी है, कह रहे हैं कि धारा 144 है, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं, हम लोगों को, आम जनता को नहीं, सिर्फ कर्मचारी जो अंदर विभागों में अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं वहाँ पर उन्हें अनुमति है। आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि मीडिया को भी बंद कर दिया जाना अंदर। चलिए बात करते हैं यहाँ के इनसे। सर जी, आपने देख ही लिया सब कितने दिनों से जो चल रहा है, और उस शख्स के अंदर साथ जो शख्स सारी रियासत के अंदर उसका काम पता है, सबको पता है, उसका सिर्फ नाम नहीं है बल्कि काम के वजह से हर आदमी उनको जानता है। और कल क्या बिहेव हो रहा था, कल किस तरह से वो हॉस्पिटल के अंदर मुलाजिम क्या कर रहे थे, दूसरे लोग डॉक्टर क्या कर रहे थे, ईडी क्या कर रही थी, सब लोग कुछ हम लोग बात कर रहे थे, कितना झूठ का झूठ के कितनी ज़्यादा पलंदे बनाए जा रहे थे, हर चीज़ झूठ पर उन्होंने बनाई है, एक भी सच्चाई उसमें नहीं है जो उन्होंने कहा है। अगर एक आदमी बीमार हो गया, अब मैं ये साफ तौर पे कहूँगा कि जो कल का इंसिडेंट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, अगर हमारे लीडर को कोई नुकसान हो गया तो रास्ते और भी हैं, दूर तक रास्ते हैं, ये पॉलिटिक्स है, ये साया की तरह चलती है, साया जैसे पेड़ की छाया होती है, इस वक्त इधर है, कल उधर है, कल उधर है, ये उस तरह बदलेगी, तो उस वक्त वो वक्त भी याद रखें। और इसलिए ये बदले की वजह से जो बदला लेने की कोशिश, जहाँ उस एक आदमी को सारा झूठ हर तरह, मैं आपको बताता हूँ जो जमीन की बात है, जैसे इन्होंने मनी लॉन्ड्री का लफ्ज़ यूज़ किया, इन्होंने वो लफ्ज़ यूज़ नहीं हो सकता, मैं आपको बता सकता हूँ। मान लो मैंने इनसे मैंने ज़मीन खरीदी, उसकी जज के पास रजिस्ट्री हुई, मैंने उनको पैसे दिए और लेन देन हुआ, और है कितनी 20 लाख के आसपास है इनका जो पेमेंट है। अब मुझे बताइए, क्या वो जो MLA रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, क्या उनका 20 लाख रुपया जो उनने पेमेंट करी है वो सोर्स उनके पास नहीं है? और अगर वो पेमेंट की है उसका लॉन्ड्रिंग, दिस इज रॉन्ग, और बड़ा गलत मिस यूज कर रहे हैं, काले धन को वैध बनाना है। हाँ, वो कह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा है नहीं है, वो तो सामने सामने खरीदा गया है और 20 साल पहले खरीदी, और 20 साल तक वो जो लोग जिन्होंने दी, या जो लोग जिन्होंने फर्ज नंबर काटा, जिन्होंने जो तहसीलदार थे, जो अफसर थे, और वो ईडी के अंदर जो सॉरी CBI के अंदर जो बयान दिए हैं वो भी वहाँ दर्ज हैं, और उसके बाद जो इस वक्त इन्होंने यहाँ जब दर्ज कराए हैं, अब ये सारा ईडी के कहने पे सारा कुछ हो रहा है। क्या ऐसे देश चल सकता है? और कभी ऐसा होता है कि जज जो जिसने रजिस्ट्री करी उसको चैलेंज कर सकते हैं? कभी वो चैलेंज नहीं होती है, ना वो झूठ, ना वो इतना झूठ जो है जज कभी, वो जज तो नहीं जाएगा ना कहीं, कानून तो उधर ही है ना, कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन ये है कि ये टार्चर, हाँ टार्चर करने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। इनके पास कोई, देखो मनी लॉन्ड्रिंग का लफ्ज़ जो यूज़ किया है वो मिस यूज़ किया है लफ्ज़ का, और बिल्कुल अटरली सारे लोगों को उसकी पॉलिटिकली उसका करियर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग समझें, जो पढ़ें तो समझे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, किसके साथ जोड़ रहे हैं, हम नहीं जानते, हम जानते हैं लेकिन पब्लिक उनको जानती है। और दूसरा ये है, जैसे आज धारा 144 लगाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, पीसफुल कर रहे हैं ना, पीसफुली सारी डिमांडेशन कर रहे हैं, ये हमारा लीडर है, और हमारे इस वक्त जम्मू को इन्होंने मार के रख दिया है, जम्मू को इन्होंने खत्म करके रख दिया है, जम्मू का कुछ बचा ही नहीं है। और भी बड़े सारे नेता हैं सर, और भी बड़े सारे नेता हैं जिन्होंने बड़े बड़े जनता के पैसे गबन किए हैं, करोड़ों के घपले किए हैं। मैं कहता हूं, मैं आपको बता सकता हूं, जमीन जहां किसी ने 4 कनाल खरीदी जम्मू के अंदर, और आज 28 कनाल के मालिक बने हुए हैं, जहां वो जमीन उस वक्त कौड़ियों के भाव थी, लेकिन 4 कनाल खरीदी, आज 28 कनाल 22 कनाल 25 कनाल के उनके पैलेस और होटल बने हुए हैं, बहुत हैं, एक दो ना हमारे पास चिट्ठियां हैं उनके सबकी लिस्ट है मेरे पास। पर ईडी का रास्ता चौधरी लाल सिंह जी तक ही क्यों जाता है जी? और ईडी का रास्ता जो है वो इसलिए जा रहा है कि ये एक ही आदमी है जम्मू के अंदर, एक ही लीडर है जम्मू के अंदर जो पब्लिक का कुछ कर सकता है, और एक ही लीडर है जिसकी छवि है लोगों के बीच में, और वही एक आदमी है जो जेड सिक्योरिटी का आदमी है, और आज उसको हर तरह से टार्चर करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो पॉलिटिकली, लेकिन इन्होंने जो एजेंसियों के घोड़े दौड़ा दिए हैं सारे देश के अंदर, ऐसा किया है, और जम्मू में भी ऐसा ही कर रहे हैं। एक आदमी रह गया जिसने गलत काम किया, एक ही आदमी है, अरे यार जितने सब रंगे हुए हैं, एक भी रंग से रंगा हुआ जो नहीं है वो बता, एक आदमी बता दो। और अगर उनके ऐसे भी लोग हैं जहाँ 1000-1200 कनाल जमीन है उनके पास, और वो क्या कहते हैं समझ हमें मालूम नहीं है। इसलिए मैं ये सरकार के सामने ये कहना चाहता हूँ, सरकार के लिए ये, और ख़ासकर उन एजेंसियों को भी कहना मैं चाहता हूँ, कि आप किसी के दबाव में आगे जो मिसयूज़ ऑफ पावर कर रहे हैं, ये देश के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ये देश के हमारे संविधान के खिलाफ है, और जज चौधरी के साथ जो हो रहा है ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसको टार्चर करने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। जी जी मैम, क्या कहेंगे जी? ये जो
चौधरी लाल सिंह जी हैं, ये मनी लॉन्ड्री का जो बना रहे हैं इन पर केस, ये पूरे जम्मू को आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये कोई ऐसा केस नहीं है। बेदाग लीडर है चौधरी लाल सिंह डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के। ये जो ज़मीन का अगर मसला है, इन्होंने हर जगह जब से बीजेपी आई है, इन्होंने हर जगह जहाँ खाली जगह देखी, या 200 साल का अगर मेरा कब्जा चल रहा है तो उस पर JDA का वोट लगा दिया है, जहाँ पे देखो उन्होंने कवर की है। तो अगर आपको लगता है ये जगह ज़मीन का झगड़ा गलत है, या इन्होंने दो चार मरले कनाल जो भी आगे पीछे हो गई है या ली हुई खरीदी हुई है, मतलब कि घेरी नहीं है खरीदी हुई है, तो अगर आपने जो है JDA लैंड हमें कर दी रजिस्ट्री, या मलकीती कर दी, या कब्जे वाली कर दी, तो आप उस पर बोर्ड लगा लो, ले लो ना, केस वाली कौन सी बात है। ये तो सरासर सिर्फ सियासत चल रही है, क्योंकि डरे हुए हैं चौधरी लाल सिंह से, उसको हिलाना चाहते हैं। वो बड़ का वृक्ष है, कहाँ हिलेगा, नहीं हिलेगा। वो बेदाग लीडर है, नहीं हिलेगा। अगर मैं पार्टी वालों को कहना चाहती हूँ, मौजूदा गवर्नमेंट को, कि अगर काम करना है अच्छे काम करो, बाहर निकलो, लोगों में जाओ, जो आपके लोग ब्रिज बना रहे हैं उनको देखो कि दूसरे दिन टूट रहे हैं, और लोग मर जाएंगे, कोई नीचे मर जाएंगे, कोई ऊपर से मर जाएंगे, उनकी सेफ्टी सोचो, लोगों की सेफ्टी सोचो, जो बच्चे सड़कों पे रो रहे हैं उनकी सेफ्टी। लीडरी वहाँ चलाओ, आपको नहीं आती चलाना, आपको लीडरी चलाना नहीं आती, आपको बहुत बड़ी थाली मिली है, उसको आराम से खाओ, इतना गर्म करके नहीं खाओ, जल जाओगे, मिट जाओगे। चौधरी फिर आएगा, चौधरी लाल सिंह फिर आएगा, याद रखिए। आप क्या कहेंगे मैम? देखिए, मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहती हूँ, जम्मू वालों को ये बोलना चाहती हूँ, जो भी ये केस लगा है, पहली बात तो ये है केस उन पर है ही नहीं है। उनकी चेयरपर्सन जो है वो मैडम कांता अंडोत्रा जी हैं, साफ तो है ही नहीं, उसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। और फिर क्या हो गया, अगर 20 साल पहले जगह का क्या रेट था, इसका आप इस टाइम जोड़ रहे हो उस रेट को, जो अभी के घोटाले हैं आप वो बाहर निकालो ना, फ्लाई ओवर आपके टूट रहे हैं, किसको दिए आपने ये टेंडर, क्या आपने कभी गौर नहीं की इस चीज़ पे भाई, ये भी आम जनता के लिए नुकसान की चीज़ें बन रही है, ये आपके जो फ्लाई ओवर है, कहीं ना कहीं सबको इस चीज़ से बड़ा लॉस हो रहा है, जो चौधरी साहब को ये अंदर लेके गए हैं। और ये तो सीधा बीजेपी वालों की एक साजिश है, ताकि वो आम जनता के साथ मिलके बैठते। आपको डर नहीं लग रहा कि हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, हमारे चौधरी साहब शेर है, और उन्होंने अपने साथ शेर ही जोड़ के रखे हैं, गिद्धों की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे काम है शेरों का, गिद्धों का काम नहीं है। शेर आएंगे तो बीजेपी वालों को यहाँ से भगा के बाहर फेंकेंगे, हम उठा के इन लोगों को। फिर क्या कहेंगे जी मैडम? ये है, आज बात जो है डोगरा समान की है, आज किस तरह डोगरा को मिटाया जा रहा है, और जैसे चौधरी लाल सिंह एक दो बार मंत्री रहे हैं, MP रहे हैं, MLA रहे हैं, ऐसे शख्स को ना पुलिस अनदेखी कर रही है, प्रशासन अनदेखा कर रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर अनदेखा कर रहे हैं, और आम आदमी की क्या वैल्यू होगी यहाँ, आम आदमी कैसे बोल पाएगा इधर। वो एक ऐसे शख्स हैं जिनसे बीजेपी को टेरर है, और आज उनको दबाना चाहते हैं ये। अगर बीजेपी ये चाहती है कि हम बोलने वाले जो आदमी हमारे खतरा साबित होता है, तो हम उस पर ED बिठा दें, हम उस पर पुलिस बिठा दें, हम उसको अंदर करवा दें, अगर ऐसा रवैया रहा तो मैं चैलेंज करता हूं कि आने वाले टाइम में एक सीट भी बीजेपी को नहीं मिलेगी। रही बात ED की, अरे ED बिठानी है आपको तो उन पे बिठाओ जिन पे अरबों रुपए की, जिन्होंने प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं खरबों रुपए की, खाली हमारी स्टेट से बाहर भी, उन लोगों पे ED बिठाइए। फरूक अब्दुल्ले पे तो वो साबित भी हो गया आरोप, उस पे ED बिठाओ। कितने सारे लीडर हैं सारी पार्टियों के, कोई ऐसा लीडर नहीं है जिसके जिसने आज से 30 साल पहले पीछे चले जाओ, अरे अफसर ही ले लो, पुलिस अफसर ले लो, रेवेन्यू अफसर ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन ले लो, देखो जब ये भर्ती हुए थे इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है कि आई एम पोअर फैमिली इन बिलोंग टू द बैकवर्ड एरिया। और आज मैं पूछता हूँ इन अफसरों के पास, इन मिनिस्टरों के पास करोड़ों रुपये की संपत्तियाँ हैं, कहाँ से आ गई? पहले तो इन पे ED बिठाओ। चौधरी लाल सिंह साफ आदमी है, हम कहते हैं शेर आदमी है, वो उसके पास कोई इलीगल प्रॉपर्टी नहीं है,
जितनी उसके पास प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा उसका उस उन्होंने कमाया है। और ये एक एक बीजेपी का शतरंज है कि इनको हरास करके किसी तरीके से लोगों में इनको बदनाम करके इनको अंदर डालना। चलिए, इस समय विजय पठानिया भी हमारे साथ पहुंच चुके हैं यहाँ पर। विजय जी, आज तो कई आप तो पेट्रोल पंप में डेरा लगाया सबने, अब तो वहाँ पे तार बंदी कर दी। सुना रहे हैं कि धारा 144 जी मजाक समझा धारा 144 लगाने का। ये तो पूरी दुनिया को बता रहे हैं ना, भारत में सच्चा लोकतंत्र है, ये आप अपनी आंखों से लोकतंत्र देख रहे हो। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं है। ये कुछ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम इसलिए क्यों बैठे हैं? ये लोकतंत्र तो है ही नहीं। हमको डर है कि हमारे नेता के साथ पता क्या करेंगे। इन लोगों को किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। मैं कल आपको बोला था कोर्ट का जो ऑर्डर था, कोर्ट के बाद उन्होंने पहले हॉस्पिटल लेके जाना था, सीधा लेके आ गया, क्योंकि मैं इनकी गाड़ी के पीछे था। और जब मेरी गाड़ी जैसे बाकी गाड़ी घुसी, मेरी गाड़ी घुसने के तार फेंक दिए आ गए, मैं बड़ी मुश्किल से गाड़ी रोक के बचाऊँ। मतलब इतना ज़्यादा दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये, आपको कल से आवाज़ तक नहीं आ रही हमारे, हमारी यही हालत हो गई है। हम कल 48 घंटे के बाद मैं सोया हूँ। अब तो मैं जम्मू वालों को बोलता हूँ, डोगरी हो, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, बाहर निकलो। एक कहावत है, उसने तो कबर का इस्तेमाल किया था वर्ड का, मैं आखना मैं शमशान घाट है उन लोगों के भी चिता जल्दियाँ दिखी हैं जी, इस डर ने नहीं लड़े कि मरी नहीं आन, मरना तो आए यार, शान के ने जिए तो शान के ने मरो ना। इको बंदा जो आवाज़ चुके करता है और हथ हथ मिलाओ, जो सा खोते जाने जलील करेगा सब वापस आ गए। आपने देखा किस तरह का माहौल बना हुआ है कि चौधरी लाल सिंह जो पूर्व मंत्री रह चुके, एक साफ छवि वाले नेता हैं, कल से लगातार पल पल की खबरें हम आपके समक्ष रख रहे हैं। चौधरी लाल सिंह ही क्यों, मनी लॉन्ड्री केस बताया भी सर ने, एक पूरा वर्णन किया कि मनी लॉन्ड्री होती क्या है, पहले समझना पड़ेगा, यानी कि काले धन को वैध बनाना। क्या वाकई ऐसा है? अगर आप कोई पैसा अपनी मेहनत की कमाई देता है, खरीदता है डॉक्यूमेंट, वो जो जुडिशरी है, इन्होंने तो जुडिशरी को भी चुटला डाला, यानी आप ही आप बन गए। पर आने वाला समय, समय बड़ा बलवान है, यहाँ बड़े बड़े तख्तो ताज नहीं रहे, तो ये सत्ता क्या चीज़ है? सत्ता के लोभ में ये मत भूलिए कि जनता है, जनता जनार्दन है, यही वो जनता है जो आपको सर माथे पर बिठाती है, और यही वो जनता है पल भर नहीं लगेंगे उठाकर नीचे पटकने में। और इतना मत करिए, आज मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अरे ऐसी कौन सी इमरजेंसी लग गई है कि चौधरी लाल सिंह जी, इतना तो जेलों में भी नहीं होता, जेलों में भी कैदियों को मिलने की अनुमति होती है, बड़ी इज्जत मान के साथ लेकर जाते हैं, अपने घर वाले आते खाना खिलाने के लिए, इन्हें तो खाना भी नहीं दिया गया। एक बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में उसका पूरी तरह से इलाज नहीं होने दिया, उसके बाद उन्हें घर का खाना भी नहीं दिया जा रहा। आखिर आप चाहते क्या हैं? भगवान ना करे चौधरी लाल सिंह जी की अगर ज़्यादा तबीयत खराब होगी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हो? और ये जो सिपाही इनके हैं, ये तो कह रहे हैं कि चौधरी साहब शेर हैं, बब्बर शेर हैं, डुग्गर शेर हैं, और हम उनके साथ शेर ही जुड़े हैं, गिद्धों की यहाँ जगह नहीं है। चलिए देखते हैं, आने वाला समय है, समय बड़ा बलवान है और प्रकृति का नियम है बदलाव। ये जनता पर निर्भर है कि जनता वाकई बदलाव चाहती है, इसी तरह का माहौल आज चौधरी लाल सिंह जी के ऊपर, कल हो सकता है आप में से भी किसी की ओर की बारी हो। क्या कहना आपका इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।